सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में दोबारा से। तो मैं वॉक पे निकल चुकी थी चाय वगैरह पी के। ठुमक जब हिट छाए तू पहाड़ी बाटू माँ, छम छमा पायल घुंगरू बजन तेरी खुटमा, आल हसर हंगा नानी अंगनी हनहरा, चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। और वॉक करते करते इतनी भूख लगी थी कि सामने वाले ही ढाबे पे हम लोग चले गए, जिससे दो तीन दिन से खाना खा रहे हैं। यहीं बैठ के खाया आज हमने, और ये आ गई थी दाल रोटी। खाना खा के हम आ चुके हैं वापस घर पे, और अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी सेकेंगे धूप के अगेंस्ट, थोड़ा सी काम करेंगे। धूप आज बहुत अच्छी निकली है। अच्छा, हमारा चाय हमारी हो गई है यहाँ पे रेडी, इसको डाल लेंगे। और मैगी भी रख दी थी, और मैगी खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो मुझे तो बहुत दिनों से कर रहा है, बट मैं अवॉइड कर रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा है, भूख भी आज ज़्यादा ही लगी है, ठंड में कुछ भूख ज़्यादा ही लगती है। तो ये मैगी खाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से उबाल के। यहाँ हमने तेल चढ़ा दिया है फॉर जो डोसे के अंदर आलू का पेस्ट डालते हैं, वो बनाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे डोसा भी, डोसे का भी पेस्ट हमने रेडी कर दिया है, ठीक है। प्याज भी काट दिया है यहाँ पे, और ये डालेंगे हम पहले डालेंगे मूंग की दाल, फिर डालेंगे ये, और उसके बाद प्याज डालेंगे। तेल गर्म हो गया है यहाँ पे हमारा, इसमें डाल देंगे मूंग की दाल। ये फ्राई होती रहेगी, थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, तो हम डाल देंगे ये सरसों, थोड़ा सा धनिया इस बार मैं टेस्ट कर रही हूँ, और ये लाल मिर्च डाल ही देंगे, साथ में ही हो जाएंगे। मसाला यहाँ पे जो फोड़न डाला था वो हो गया है, अब यहाँ डालेंगे प्याज। यहाँ पे कड़ी पत्ता भी डाल दिया गया है, सारे प्याज डाल के इन्हें भुनेंगे अच्छे से। ज़्यादा भी अच्छे से नहीं भुनना है ना, तो थोड़े थोड़े कच्चे रहेंगे, थोड़े मतलब गल जाएंगे, गलने लायक होंगे, तो इसमें मसाला डाल के आलू डाल देंगे, ताकि सब चीज़ें एक साथ फिर भुनते रहें। डाल देंगे मसाला, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और नमक बाद में डालेंगे, बस इतना ही मसाला डालेंगे। और ये देखिए गोपाला से आई थी मुरैना गज्जक, नॉर्मल गज्जक, और ये यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल के इसको भून लिया था। यहाँ डाल देंगे हम आलू, इसको तोड़ लेंगे डाल के। ये देखिए ध्रुव कितनी मदद करता है मेरे कामों में, डोमेस्टिक कामों में, सब में आके मदद करता है। आपके घर में भी हस्बैंड आपके मदद करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट डाउन करके बताना प्लीज़। ये यहाँ पे जो पेस्ट रखा हुआ था हमने, इसमें डाला है प्याज, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता भी डाल दिया था, थोड़ा सा तेल डाला है, नमक डाला है, आप चाहें तो इसमें सरसों भी डाल सकते हैं, आज हमने स्किप करा है। और यहाँ पे हमने तवा भी रख दिया है, तो थोड़ा मीडियम फ्लेम पे गरम होगा, फिर हम डाल देंगे इसमें डोसा पेस्ट। ऐसे 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 ऐसे
सिकने देंगे, इसके बाद इसको पलटेंगे। ये पलटने लायक हो गया है, लग रहा है। इसको किनारे किनारे से ऐसे चेक करके पलटने की कोशिश करेंगे। पलटने लायक हो गया, उसे पलट देंगे। हम निकल पड़े हैं रात को स्कूटी पे घूमने। ये देखिए कितना फॉग हो रहा है। ये सड़क जाती है भाटी माइंस को, और देखिए रात में कितनी अच्छी लग रही है। और देख चला लो, अरे आगे है कोई कुछ, मतलब यहीं मैं सोच रहा था कि आगे तो कुछ भी नहीं है। और टू व्हीलर की राइड हम एंजॉय करते हुए। और ये देखिए परेड, बहुत ही कौन आ रहा है, कोई नहीं। ये देखिए आगे जाके है भाटी माइंस का संजय कॉलोनी, और वहां पे इतनी भीड़ रहती है बट फिर भी ये रोड खाली है, इतना सुंदर लग रहा है। मस्त लग रहा है यार। ये तो रजाई लपेट लाते हैं, अब तो बाहर निकले तो पता लग रहा है ठंड तो पड़ी है। हाँ और क्या, घर में किसको पता लगता है ठंड, बाहर ही आते हैं तभी तो पता चलता है। अभी जनवरी में पता लगेगा घर में, तो बेड के अंदर ठंड लग रही होगी। हाँ फिर हम और निकलेंगे टू व्हीलर लेके और ठंड का मजा लेंगे। कैसे रिवाइव करने की कोशिश करी? रात में आया ना 3 बजे, रिकॉर्ड भी कर लो। पुलिस में दोगे तो मैं पता। अच्छा तो फिर नहीं बताओगे? टाइम हो गया था हमें घूमते घूमते, तो हमने यहाँ पे रुकने की सोची क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पास में एक सोसाइटी भी है तो हम यहाँ रुक गए थे। और ये देखिए रात के 9:09 होने लग गए हैं और यहाँ पे गुरुजी का इतना रश हो रखा है, मुझे लगता है खास इम्पोर्टेंट इवेंट है। रात में कैसे इतना आ जाते हैं लोग इतनी ठंड में, मेरे को तो स्कूटी में इतनी ठंड लग रही है। अभी ये दूर दूर से आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, पर रात में पता नहीं इनकी हिम्मत ही दांत देनी पड़ेगी, दांत तोड़ तोड़ के देने पड़ेंगे। सो घूम फिर के वापस आ गए हम फाइनली छत पे। यहाँ से ये देखिए पार्टियों की लाइट जल रही है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।